आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। मैं हूं स्नेहलता। आज बात होगी रण क्षेत्र के उस लड़ाई की जो रंग भेद पर आ गई है, क्योंकि रोड शो के दौरान अखिलेश यादव ने एक रंग को लेकर बड़ा और तीखा हमला कर दिया है। अब अखिलेश के उस हमले पर पलटवार करते हुए दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निरहुआ ने अखिलेश पर राम भक्तों पर गोली चलवाने, यादवों के स्वाभिमान से खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया है और अब कुल मिलाकर सियासत गरम। यूपी की सियासत हाई, शुरू हुई रंगभेद की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी के पास एक रंग है, एक रंग वाले आपके जीवन में कोई खुशहाली नहीं ला सकते हैं। अखिलेश पर निरहुआ का सबसे बड़ा निशाना। अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए, और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग तेज होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है यूपी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, और इस चढ़ते पारे के बीच भाजपा के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए एक बड़ा हमला बोल दिया। अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए, और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए, पर ठीक है, आप ऐसे ही अपनी विचारधारा समय समय पे बताते रहिए, ताकि धीरे धीरे उन लोगों की भी आंख खुले जो लोग आज भी भ्रम में हैं, उनको भी पता चलता रहे कि आप जिन्ना की विचारधारा वाले आदमी हैं। निरहुआ का यह हमला अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जो रोड शो के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर किया था। जो हमारा इंद्रधनुष बनना है, बहुरंगी इंद्रधनुष है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक रंग है, एक रंग वाले आपके जीवन में कोई खुशहाली नहीं ला सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से निरहुआ ने राम भक्तों पर गोली चलाने और जिन्ना की विचारधारा के साथ चलने के आरोप अखिलेश यादव पर लगाए हैं, उससे सियासत गर्म है। और अब सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा निरहुआ को आगे कर यादव कार्ड खेल रही है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अखिलेश यादव के सामने निरहुआ को चुनाव लड़ाया था, जिसमें अखिलेश यादव ने निरहुआ को करीब 260,000 वोटों से हरा दिया था। लेकिन अब लड़ाई विधानसभा चुनाव की है, जहां सपा और भाजपा के बीच लड़ाई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो रण क्षेत्र की लड़ाई में रंग भी जायज है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लखनऊ फतेह के दिल्ली वाले प्लान की, क्योंकि यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी की टीम को कप्तान बना दिया है। चुनाव कैसे जीतना है, विरोधियों को कहां घेरना है, इसके लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े महारथियों पर दांव चला है। ये वो महारथी हैं जिन्हें यूपी का तजुर्बा है, यूपी की राजनीति को ये अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन इस बार सवाल बड़ा है, क्योंकि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती दीवार बनकर खड़ी है, जिसे गिरा कर ही यूपी फतह हो सकता है। दिल्ली में लखनऊ की तैयारी, भाजपा की रणनीति किस पर पड़ेगी भारी? शाह, नड्डा और राजनाथ को मिला प्रभार। 22 के रण में होगा अब सीधा प्रहार। चुनाव यूपी का है, लेकिन दिल दिल्ली का धड़क रहा है, क्योंकि लखनऊ फतेह के लिए भाजपा ने अपनी पूरी कमर कस ली है। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा ने बूथ स्तर से लेकर क्षेत्रवार प्रभारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गोरखपुर और कानपुर की जिम्मेदारी मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर काशी और अवध की जिम्मेदारी होगी, जबकि ब्रिज और पश्चिम फतेह की जिम्मेदारी भाजपा के चाणक्य अमित शाह पर होगी।
फोकस किया गया है कि जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है छह क्षेत्रों का, इसमें बूथ अध्यक्ष यानी रैली जैसा आप एक तरह के बूथ अध्यक्ष ही कार्यक्रमों में व्यवस्थित रूप से उनका रजिस्ट्रेशन हो व ठीक ढंग से बूथ अध्यक्ष शामिल हो, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरखपुर और कानपुर जा रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी अवध और काशी में जा रहे हैं, दो क्षेत्रों की बैठक में आदरणीय अमित शाह जी, ऐसे प्रोग्राम बना हुआ है और संगठन की विधिवत चर्चा हुई है। भाजपा की बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि जेपी नड्डा, बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल ने हर मुद्दे पर चर्चा की है। और बड़ी बात यह है कि यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के बीच भी चर्चा हुई है। इन तमाम चर्चाओं के बाद ही भाजपा ने अपनी रणनीति का ऐलान किया है। अब यूपी चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और भाजपा भी बिना वक्त गंवाए चुनावी तैयारियों में जुटना चाहती है। भाजपा ने 2017 की जीत दोहराने का ऐलान करते हुए इस बार 300 पार का नारा दिया है। ऐसे में कोई कमी न रहे इसलिए भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि यूपी में एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही सवाल यूपी की चुनावी सियासत के ट्रेंड का भी है, जहां पिछले 3 दशकों में हर बार सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है। ऐसे में भाजपा की रणनीति कितना काम करती है ये देखना होगा। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। 22 की जंग में झांसी वाले जलसे की, क्योंकि एक जलसा जनता ने जिस तरीके से देखा है और उसकी बानगी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन वाली तस्वीर, लेकिन एक जलसा झांसी में होगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड में करोड़ों की सौगात के साथ देश की सेना के 3 अंगों को स्वदेशी ताकत से मजबूत करेंगे। लेकिन यही बात सौगात से ज्यादा सियासत की है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड की बारी, सौगात से सियासत भारी। जल, थल, नभ, बुंदेलखंड बनेगा स्वदेशी ताकत का हब। संकल्प, शौर्य, पराक्रम और बलिदान, पीएम मोदी करेंगे झांसी जलसा से बड़ा ऐलान। पूर्वांचल को यूपी की पावर का सेंटर बनाने के बाद अब भाजपा की नजर है बुंदेलखंड पर, क्योंकि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हरक्यूलिस, सुखोई, जैगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान उतारकर भाजपा ने सूबे की राजनीति का पारा चढ़ाया, अब पीएम मोदी बुंदेलखंड से सेना को स्वदेशी ताकत की सौगात देकर यूपी चुनाव से पहले बड़ा संदेश देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती पर झांसी में चल रहे 3 दिवसीय झांसी जलसा उत्सव का समापन करेंगे, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने किया था। लेकिन 5 दिन के भीतर पीएम मोदी का 2 बार यूपी आना कई मायनों में खास है, क्योंकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड यूपी के वो हिस्से हैं जिनकी गिनती पिछड़े इलाकों में होती है, लेकिन सूबे की योगी सरकार इन दोनों जगहों पर विकास का दावा कर रही है और अब पीएम मोदी इन्हीं दावों पर अपनी मोहर लगाने आ रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, यानी यहाँ पर पेयजल का इतना अभाव था कि लोग पलायन करते थे, बड़े पैमाने पर पलायन होता था, लेकिन मेरा हमारा प्रयास है केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के बुंदेलखंड के हर गांव में मार्च 2022 तक शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल हुआ है। पीएम झांसी और महोबा में करीब दर्जन भर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें झांसी में 600 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास, झांसी में ही अटल एकता पार्क का लोकार्पण और महोबा में अर्जुन बांध परियोजना का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी सेना के 3 अंगों को स्वदेशी तकनीक की ताकत देंगे, जिसके तहत वो 8 योजनाएं देश को समर्पित करेंगे।
इनमें पीएम मोदी वायुसेना प्रमुख को आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे, जबकि थल सेना की ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए देश में नए स्टार्टअप की तरफ से बनाए गए ड्रोन सौंपे जाएंगे। वहीं नौसेना को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपे जाएंगे। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए देश में दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक तमिलनाडु में है तो दूसरा उत्तर प्रदेश में। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में 6 अलग अलग नोड बनाए गए हैं, जिसमें झांसी भी एक है। और अब यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बन रहे भारत डायनामिक्स लिमिटेड की झांसी इकाई का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। ये इकाई 183 हेक्टेयर में 400 करोड़ की लागत से बनेगी। यहाँ पर भारतीय सैनिकों के लिए एंटी गाइडेड मिसाइल्स का निर्माण होगा, साथ ही जमीन से हवा और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स और पानी के अंदर भी दुश्मनों को मार गिराने वाले हथियारों का निर्माण किया जाएगा। मतलब सेना के तीनों अंगों को स्वदेशी ताकत से मजबूत करने की तैयारी है। लेकिन सवाल यूपी की सियासत का भी है, क्योंकि अब चुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी पहली बार 3 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 19 तारीख को झांसी और महोबा जाएंगे, लेकिन रात्रि विश्राम लखनऊ में करेंगे। उसके बाद 20 और 21 नवंबर को पीएम मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने पूर्वांचल में विपक्ष पर हमला बोला था, ऐसे में सबकी निगाहें एक बार फिर पीएम मोदी पर होंगी कि वो बुंदेलखंड से कौन सा प्रहार करते हैं और उसका चुनावी मौसम क्या असर पड़ता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इंसाफ के वादे की, वोट बैंक पर दावे की, क्योंकि प्रियंका गांधी ने अरुण वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की है और 30 लाख रुपए देने का यानी चेक देते हुए इंसाफ दिलाने का वादा किया है। लेकिन मौसम चुनाव का है तो सवाल बड़ा ये है कि प्रियंका दलित वोट में सेंधमारी कर रही है और किसका खेल खराब करने की कोशिश में है। वाल्मीकि के परिवार से कांग्रेस की मुलाकात, क्या दलित वोट से बनेगी बात? यूपी में प्रियंका की रणनीति खास, खत्म होगी 32 साल की प्यास। यूपी में कांग्रेस का सूखा खत्म करने के लिए प्रियंका हर मोर्चे पर खेल रही, क्योंकि जहां प्रियंका आधी आबादी को अपनी ताकत बनाकर लड़ने का दम भर रही, वहीं उनकी नजर दलित वोट बैंक पर, खासकर गैर जाटव दलित पर है, क्योंकि आगरा के अरुण वाल्मीकि के परिवार को 30 लाख का चेक देकर कांग्रेस ने पिछड़ों को एक बड़ा संदेश दे दिया है। श्री अरुण कुमार वाल्मीकि जी को पुलिस पीट पीट कर थाने के अंदर मार डाला। अफसोस की बात है, श्री सरकार ने जांच की बात की, कार्रवाई की बात की, आज तक पुलिस के एक भी कर्मचारी पर, पुलिस के एक जवान पर, एसआई पर, इंस्पेक्टर पर या पुलिस के किसी अधिकारी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपको बता दें कि अरुण वाल्मीकि की मौत आगरा में पुलिस कस्टडी के दौरान हुई थी, जिसको लेकर काफी हल्ला मचा था। खुद प्रियंका गांधी अरुण के परिवार से मिलने आगरा गई थी। अब कांग्रेस ने मदद कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का विश्वास दिलाया। प्रियंका गांधी ने कितने का चेक दिया और क्या कुछ कहा? 30 लाख का दिया। हाँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। अभी तक कुछ नहीं हुआ तुम्हारा, मैं देखूंगा। क्या लग रहा है कि कांग्रेस की एक बड़ी नेता है, इस तरह सामने आई है, न्याय मिल पाएगा? न्याय मिल पाएगा, उन्होंने कह दिया मिलेगा न्याय, कह रही है। लेकिन सवाल बड़ा है कि प्रियंका दलितों की राजनीति कर किसका खेल खराब कर रही है, क्योंकि प्रियंका की नजर यूपी के गैर जाटव दलितों पर है, जिनका झुकाव पिछले कुछ चुनाव में भाजपा की तरफ रहा है। वहीं प्रियंका की रणनीति का दूसरा पहलू सॉफ्ट हिंदुत्व का है, क्योंकि प्रियंका की मंदिर वाली तस्वीरें भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि प्रियंका 22 के रण में किसका खेल खराब कर रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। ट्रिपल इंजन की सरकार की, खत्म हुई 20 साल पुरानी तकरार की। 21 साल पहले अगर आप देखें उत्तराखंड राज्य बना था यूपी से अलग होकर,
लेकिन तब से अब तक दोनों राज्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। कई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद अटके रहे। अब इस बात पर बड़ी पहल हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लखनऊ यात्रा के बाद 2 दशक से ज्यादा पुराने कई विवाद का समाधान हो गया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट को। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कुछ इसी तर्ज पर यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की इस मुलाकात के बाद इसके नतीजे का ऐलान हुआ। धामी जी, योगी जी के साथ बैठक थी, बड़े भाई छोटे भाई का मामला है, क्या बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए? बैठक में सभी मुद्दों पर हमारी सहमति हो गई है और जितने भी प्रकरण लंबित थे सारे मामले निस्तारित हो गए हैं और जो बचे हुए हैं कुछ मामले वो अगले 15 दिनों में उनमें दोनों राज्यों की सरकारें ज्वाइंट सर्वे करेंगी, दोनों के विभाग ज्वाइंट सर्वे करेंगे। उसके आधार पर जैसे सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग में 5700 हेक्टेयर भूमि है और 1700 मकान है, जितनी उत्तर प्रदेश को आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगी और बाकी उत्तराखंड को हो जाएंगी। इस वक्त केंद्र के साथ ही यूपी और उत्तराखंड में भाजपा सरकार है, यानी सरकार ट्रिपल इंजन की है। बावजूद इसके सालों बाद अब दोनों राज्यों के बीच की प्रॉपर्टी के कई विवाद सुलझ पाए हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये तय हुआ कि यूपी को उसके काम की जमीन दे दी जाएगी जिसमें 1700 आवास भी शामिल हैं। 15 दिनों के भीतर दोनों राज्यों के अफसर इसका सर्वे कर प्रॉपर्टी की पहचान कर लेंगे। बनबसा और किच्छा बैराज का दोबारा निर्माण यूपी सरकार करवाएगी। उत्तराखंड परिवहन निगम को यूपी सरकार 205 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। आवास विभाग का बकाया दोनों राज्य मिलकर चुकाएंगे। हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तराखंड को दे दिया जाएगा। महीने भर के भीतर ये काम पूरा हो जाएगा। किच्छा बस स्टैंड अब उत्तराखंड की संपत्ति होगी। वन विभाग को यूपी सरकार 90 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। गंग नहर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी इजाजत देने का फैसला हुआ है। इसके साथ ही दोनों राज्यों के बीच 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के बंटवारे के विवाद का कड़वा अध्याय भी खत्म हो गया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। देवलोक साक्षात की, क्योंकि काशी में कल देव दीपावली है जिसे लेकर तैयारियां भव्य रूप ले रही हैं। काशी के एक एक घाट को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है जिसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। समझिए इस रिपोर्ट से। भव्य देव दीपावली की तैयारी, 15 लाख दियों से जगमग होगी काशी। काशी में उत्सव, भव्य होगा देव दीपोत्सव। जो बात देव दीपावली में है वो किसी में नहीं है, क्योंकि धरती पर देवलोक का नजारा सिर्फ देव दीपावली के दिन ही नजर आता है और काशी में इसकी छटा ही निराली है। जहां देव दीपावली को लेकर तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं। देखिए, देव दीपावली शब्द का अर्थ ही होता है कि देवताओं की दीपावली। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और कहा जाता है कि जो कार्तिक का जो महीना होता है वो पूरा महीना ही भगवान विष्णु का होता है, बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस दिन का ये महात्म्य है कि अगर हम पूरे महीने अगर स्नान करते हैं तो कहा जाता है कि बैकुंठ में जाने का जो है रास्ता यहीं से खुलता है, कार्तिक महीने में अगर स्नान किया जाए। ये देव दीपावली मूलतः कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा मतलब जिस दिन पूर्णिमा अपने मुक्ति और भक्ति के लिए सीढ़ियों पर, गंगा के तटों पर और शिव मंदिरों में श्रद्धा, अनुराग और विश्वास पूर्वक दीप जलाने से निश्चित ही उनको सर्व सुख प्राप्त होगा। इस बार काशी में भव्य देव दीपावली मनाने की तैयारी है, क्योंकि घाट, कुंड, गलियां, चौबारे और घर की चौखट दियों की रोशनी से जगमग होगी। 80 से राजघाट तक 84 घाटों के बीच 22 से अधिक जगहों पर गंगा आरती का आयोजन होगा। शहर से लेकर गांव, घाट और नदियों के किनारों को रोशनी से सजाने की तैयारियां चल रही हैं। जेत सिंह घाट, राजघाट पर लेजर दिखाया जाएगा। देव दीपावली का आयोजन जो हो रहा है इस बार भव्य करने के लिए लगभग अंतिम रूप में तैयारी हो रही है। इस बार का एक विशेष आकर्षण होगा नारी शक्ति को लेकर के, और इसके माध्यम से हम लोग आम जन को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि नारी को हमेशा सम्मान दें।
देव दीपावली यानी देवताओं की दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है। इस मौके पर गंगा आरती होती है, पूरे बनारस शहर में उत्सव होता है। कोरोना काल से राहत के बाद पहली देव दीपावली है, यही वजह है कि इस बार देव दीपावली को लेकर पूरी काशी में गजब का उत्साह है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा।